तो पहले मैं आगे गया, दीदी ने ओवरटेक किया, फिर दीदी आगे गई, मैंने ओवरटेक किया, फिर दीदी आगे गई, मैं आगे गया। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुम्हें समझ में आया इसके लिए तुम्हें पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, और उसके बाद बताओ किसने किसका ओवरटेक किया। सो स्टे ट्यून्ड, फिर मैं वापस आता हूँ। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लौटा हूं अपने नए एपिसोड के साथ। और आज के ब्लॉग में देखा मैंने एक लेजेंड प्लेयर पबजी का, मतलब इंसान पबजी कहाँ कहाँ खेल सकता है ये बताओ। एक इंसान खेल सकता है पबजी घर के अंदर, एक इंसान खेल सकता है घर के बाहर, एक इंसान खेलते कूदते खेल सकता है, कोई चाय पीते हुए खेल सकता है, कोई बाथरूम के अंदर खेल सकता है। जैसे मैं स्पेशली मैं छत पे जाके खेलता हूँ क्योंकि मेरे घर में नेटवर्क नहीं आता, तो सब अलग अलग जगह खेलते हैं। मतलब मैं पबजी नहीं खेलता, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, बट स्टिल। लेकिन भाई ये जो आदमी मुझे आज मिला है ये पबजी खेल रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया। बाइक पे पबजी कौन कैसे खेल, कोई कैसे खेल सकता है, मतलब अपनी जान को रिस्क में डाल के पबजी। वाह यार, मतलब इसको तो पबजी वालों ने अवार्ड देना चाहिए कि बेटा तुम ही हमारे विनर, विनर चिकन डिनर, जय ये लो। मतलब खुद सोचो यार, आप अगर पबजी खेल रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो, एंड यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट दूसरों का कर रहा है। मतलब यहाँ पे तो बाइक चल रही है, पबजी चल रहा है, मैंने बोला है ये तो अलग ही, मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए ये तो। तो तुम पूरा ब्लॉग देख के आओ, आज के ब्लॉग में मजा आने वाला है, उसके बाद मैं आपसे वापस मिलता हूँ। सो सी यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड। फुल टैंक कर देना दादा, फुल टैंक। जब बता दूंगा तब रुक जाना, रुक रुक आगे बस, ठीक। 87 हो गया, बहुत रेट बढ़ गया। अभी कितना था, 3-4 दिन पहले कम था ना शायद, अभी बढ़े। अच्छा रोज पैसों में बढ़ते जा रहा है, ओके क्या बोले इस चीज़ पे, तो डीजल 80 का हो गया, बताओ 1048 ठीक है, कर रहा हूँ मैं वहाँ पे ठीक है। अरे फटेगा पाठ करके थोड़ा लेट फ्री हुए अपन, तो थोड़ा लेट निकले, बारिश भी हो रही थी, तो मैंने बोला रुक जाओ घर पे, बारिश में निकलने से तो बेटर है कि थोड़ा रुक के निकलो। तो अब देखते हैं आज का माहौल क्या होता है, लोगों ने तो भीड़ भड़क्का मचा के रखा है हर जगह। कीचड़ में गाड़ी बहुत फिसलती है भाई, थोड़ा डर ही लगता है ऐसे वाले कीचड़ में तेज चलाने में। पुलिस वुलिस वाले चाय पी रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, कोई दीदियाँ फुल्कियाँ खा रही हैं, ये भाई अलग तेज होगा जबरदस्ती। सही है, खैर अपन कहाँ थे, अपन थे दीदियों की फुल्की पे, तो दीदियाँ फुल्कियाँ खा रही हैं और कोई डर ही नहीं है खाने पीने को लेके। भाई अपन तो नहीं खा रहे, अपन ने तो डोमिनोज जब से चल रहा है अभी तक चल रहा है, और डोमिनोज ने बहुत बार बोल चुका है कि हमारी ऐसी डिलीवरी है, सिक्योर्ड है, ये है, बट अपन तो नहीं खा रहे भाई। अपन को तो डर लगता है, गला सबका सूखता है, और माउंटेन ड्यू से कोई डर वर नहीं मिटता, सब सूट है ये है ठीक है। तो भाई एक चीज़ समझ लो, बाहर का मत खाओ तो अच्छा है यार, लोग पता नहीं क्यों बाहर का खा रहे हैं, बाहर चाय पी रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हें ग्लासेस मिल रही है वो धुल बुल के मिल रही होगी पूरा प्रॉपर हाइजीन से, ठेले पे तुम चाय पी रहे हो, ठेले वालों को वैसे नहीं देखा कि चाय कैसे देते हैं। तो यार जब ऐसा है तो चलो, अगर ग्लासेस नहीं है, डिस्पोजेबल है, तो भी भाई हाउ कैन यू ट्रस्ट कि सारी चीज़ें सही हो रही होगी, उसके ठेले पे कितने लोग आते होंगे। अरे अंकल यहाँ से बता दी तुमने गाड़ी, कुछ शीट देगा। उतर ही गए वो तो गाड़ी से, देखो मतलब एक से बढ़ के एक लोग हैं यार, बीच में गाड़ी रोक दी और उतर गए, और ऑटो चालू ही है, डग 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 कर रहा है। हाँ मतलब फील ले रहे हैं एग्जॉस्ट का, वो भी ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं सब। अंकल दरवाजा लेके जा रहे हैं कहीं,
सही है यार। और ये इतने लोग, ये हेलमेट वाले भैया ने उनको छोड़ दिया अपने दोस्त को, अब बोलेंगे पैदल आओ, क्योंकि दो लोगों के उस पर चेकिंग पे पकड़ रहे हैं लोगों को, ये जिसने मास्क नहीं पहना है वो, मतलब क्या हो रहा है ये, सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करना है सबको, मस्ती। सही है यार यहाँ पे। और देखो चेकिंग वगैरह तो पूरी चल रही है, अंकल लोग खड़े हैं पूरे टाइम। देखो भाई, मैंने बोला मुझे रोक रहे हैं क्या, तो रुक जाते हैं भाई, अपने पास तो सब चीज़ें हैं, सारे रूल फॉलो कर रहे हैं अपन। हाँ और क्या, बच गए, खैर अपन को नहीं रोका भाई, इसलिए कह रहा हूँ पहन लो मास्क वास्क भाई, बार बार का मत खाओ, कोरोना है, मजाक नहीं है। यहाँ पे एक नाम नहीं लूँगा उस नामी ग्रामी शॉप का, बट भोपाल की एक शॉप है, वहाँ का ये हुआ है कि सब सही था, सारी चीज़ें बिक रही थी, लोग उनके यहाँ पेस्ट्री वेस्ट्री सब चीज़ें खा रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ उनके बेटे को कोरोना निकला। ओह शिट शिट शिट, देखो यार उसको रोड क्रॉस कराना। ओए आगे चल रहे छोटू, बीच में मत खड़े रहे। खैर हाँ, वो बेकरी पे थे अपन, तो वो जो बेकरी थी वहाँ पे सब कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वीट की शॉप थी बेसिकली, वहाँ पे वो सब भी मिल रहा था। तो उनके बेटे को कोरोना निकला और वहाँ एकदम पुलिस पहुँची, सब लोगों को क्वारंटाइन किया, और जितने लोग खा रहे थे उन सब से फेंकवाया सामान, या फेंको ये सब। तो भाई आपको क्या लग रहा है, हर चीज़ बिल्कुल सेफ है, खुल चुकी है? तो यार एक चीज़ बता रहा हूँ, समझो बात को, सरकार ऐसे नहीं चलती। सी हम लोग जो है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर भगवान ना करे किसी मंत्री को या किसी सेलिब्रिटी को कुछ होता है ना, तो वो लोग जाके इलाज कराएंगे तो उनको अपोलो में भी बेड तुरंत एट अ टाइम खाली मिल सकता है, उनके पास इतना पैसा है। क्या आपके पास इतना पैसा है? यहाँ पे 10-10 लाख रुपये लोग लेके जा रहे हैं तो इलाज नहीं हो रहा है, लोग इलाज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, बेड नहीं दे रहे हैं, ये स्थिति है। आप गवर्नमेंट के झांसे में मत आओ, किसी की भी गवर्नमेंट हो, वेदर इट्स कांग्रेस, वेदर इट्स बीजेपी, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबने लॉकडाउन खोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कोरोना ठीक हो गया है, कोरोना बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें समझो कि भाई बाहर का अवॉइड करो, बाहर की चीज़ें घर लेके जाओ, घर पे चीज़ें बनाओ, खुद एक्सप्लोर करो, उसके बाद खाओ पियो। अगर खाने का शौक है तो पिज़्ज़ा के बेस खरीद के जाओ, उसे सैनिटाइज करो बेस के पैकेट को, उसके बाद पिज़्ज़ा खुद बना के खाओ, तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी खाना खाने की और सेफ भी रहोगे। तो भाई थोड़ा ध्यान रखो, लोग बहुत गलत कर रहे हैं कि सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी चाय पी रहे हैं, कहीं पे भी, अरे हमसे पूछो चाय मिस कैसी होती है भाई, 8-8 चाय, 10-10 चाय दिन की ऐसे हो जाती थी पता नहीं चलता था, अब लेकिन नहीं पी रहे हैं, दिख रही है चाय पीते हुए, लोग पीते हुए, लेकिन फिर भी नहीं पी रहे हैं क्योंकि सेफ्टी चाहते हैं। तो भाई सेफ्टी इंश्योर करो अपनी, निकलने को मिला है उसका मतलब ये नहीं अपन ने गलत फ़ायदा उठाना है। तो अब अपन आ गए शाहपुरा, थोड़ी देर अपन यहाँ बैठेंगे, उसके बाद अपन वापस अपने रास्ते जहाँ मंजिल ले चले, वही वाली बात है। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, थोड़ी देर तो यहीं रुकेंगे अभी अपन, अपने तो जगह ही ख़राब हो गई यार, यहाँ तो पानी पानी हो गया बहुत ज़्यादा, तो अब अपन आगे रुकेंगे थोड़ा। Yeah. Amit here. Amit? Amit here. I texted you on Instagram. मतलब कब किया था? Regarding giveaway. अच्छा. तो आप कहाँ पर रहते हो? मैं कोलार रोड रहता हूँ, अभी ब्लॉगिंग चालू है। हाँ मेरा हमेशा ऑन रहता है, इसीलिए कंटेंट मिल जाता है। अच्छा आपने वो किया है ना 365 साल भर दिन, पूरा साल, एक साल तो अभी कंटिन्यू रखना है जब तक सब्सक्राइबर अच्छे ग्रोथ हो जाएगा। 2 hours later. Well, I tried to give you a suggestion regarding your YouTube channel. I think so, you remember or not? कौन सा? मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि आप क्या करो, मैजिक को कंबाइन करो। हाँ, right. यार मैंने इसी से बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ना कि अभी एकदम कोरोना आ गया, अब लोगों से मिलके कार्ड सेलेक्ट करा के वो मैजिक नहीं हो पाएगा, अब कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात ये रही कि अभी अगर अभी से ये चीज़ करूँगा ना, अभी मतलब इस कोरोना के टाइम पे, तो क्या है, चलो अपन जैसे आपसे मिल रहा हूँ ठीक है, फिर आपके बाद दो लोगों से मिला, चार लोगों से मिला, मास्क भी कितना प्रोटेक्ट करेगा? यू नो इवन मीडिया के जितने लोग हैं उनको कोरोना हो रहा है, बिकॉज वो तो हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, इतने दूर दूर से बात कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी ना है, दूरी और होनी चाहिए, तो लेकिन नहीं है, तो वही चीज़ है ना, आपको यहाँ सीख के जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो अपन अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी अवॉइड कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा सही हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली वर्क करूँगा।
नाजिक के तो कंटेंट रुके ही हुए पूरे मेरे, क्योंकि मेरे मेनली कंटेंट नाजिक के जब तक रखता हूं जब कोई ऑडियंस हो। 6 and a half hours later. तो अभी हो गई रात, और रात एक्चुअली ज्यादा रात नहीं हुई है, अभी 7:42, 10 मिनट घड़ी आगे 7:42 हुआ है। तो अभी अपन जा रहे हैं वापस घर, और अपन पहुंच गए कोलार पे चूनाभट्टी इलाके में, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आज क्या होता है, महफिल किस चीज पे जमाई जाए। तो अभी अपन फिलहाल चल रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले, और बारिश हो चुकी थी तो धीरे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में ओवरटेकिंग और ये सब करो ज़्यादा तो खतरे से खाली नहीं है। बाकी यार खैर, बाकी ये चीज़ है कि आज शाहपुरा पे माहौल थोड़ा अच्छा रहा, सुकून था काफ़ी, अकेला बैठा हुआ था काफ़ी देर तक बैठा अकेला, और अच्छा लगा यार आज शाहपुरा पे बैठ। मैं वहाँ जब पहुँचा तो एक भाई मिल गए थे जो अपने सब्सक्राइबर थे, और उन्होंने मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग वीडियोस, कुछ सजेशन वगैरह भेजे थे जिस पर मैंने रिप्लाई भी किया था, बट मुझे नाम से चीज़ें याद नहीं रहती, बाय फेस ज़रूर जान सकता हूँ, बट इनसे मैं मिला नहीं था कभी। तो काफ़ी देर भाई के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बात बात हुई हमारी, और अच्छा नेचर है भाई का, मतलब ऐसे लोग जो डाउन टू अर्थ रहते हैं उन लोगों को सपोर्ट करने में भी अच्छा लगता है। उनका खुद का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टाइम में, तो जब करेंगे तब इंट्रोड्यूस कराऊंगा तुम्हें। बाकी है कि यार अगर कोई एनिमल दिखता है तो मैं कोई जानवर दिखता है तो रोड क्रॉस करा दिया करो, स्पेशली डॉगीज़ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो हमारी गाड़ियाँ रहती हैं उसके नीचे आ जाते हैं कई बार, तो इट्स बेटर कि हम लोग उन्हें थोड़ा सा टाइम रुक के उन्हें रोड क्रॉस करा दें, भले हाथ से उठा के मत कराओ, हो सकता है उनकी माँ आ जाए तो फिर तुम्हें रोड क्रॉस कराने वाला कोई ना रहे, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत उसका सपोर्ट करके उसे रोड क्रॉस करा दो। ये सब चीज़ें करोगे तो अच्छा रहेगा, किसी की जान बच जाएगी। बाकी यह है कि चैनल पसंद आया होगा आज का वीडियो तुम लोगों को, तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा वीडियो देख पाएँ, हमारे चैनल को देख पाएँ, और जल्दी से हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। अरे बाप रे, तुम ये देखो ये है एपिक, वो भाई खेल रहा है पबजी और इतने सारे लोग बैठे हैं गाड़ी पे, और आगे बोरी है उस भाई के हाथ के आगे, और अंकल गाड़ी चला रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या होगी देखने के लिए कि भाई, अरे बाप रे, मतलब ये तो पूरा रिस्क लेने वाली चीज़ है। तो अब क्या बोलें इस चीज़ को यार, अंकल को भी क्या बोलें, अंकल ने बच्चे को हाथ में मोबाइल दे के रखा है और वो भाई पबजी खेल रहा है, मतलब पबजी लवर का एपिक शिट, या मतलब इसका तो टाइटल होना चाहिए कि पबजी लवर स्पॉटेड लाइव प्लेइंग पबजी। ये एग्जैक्टली चाह क्या रही है दीदी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया चेज़ कर रही हैं अपन को, या अपन चेज़ कर रहे हैं, लेकिन अपन ने तो आगे बढ़ा ली थी फिर इन्होंने चेज़ कर लिया, अब इनको आगे जाने देते हैं थोड़ा। तो आज इस टॉपिक, इस वीडियो का तो टॉपिक यही होना चाहिए, पबजी लवर स्पॉटेड, मतलब ये हाइट देख रहे हो पबजी की, कि भाई गाड़ी चल रही है आगे बोरी रखी है, उसके बाद पबजी खेल रहा है बच्चा, और अंकल गाड़ी चला रहे हैं, पीछे एक बच्चा बैठा है, उनके पीछे उनकी वाइफ बैठी है। अब ठीक है, हो सकता है मजबूरी होगी, कहीं जा रहे होंगे, बट यार ऐसे लाइफ को रिस्क करना तो सही नहीं है, चार लोग बैठे हो एक बाइक पे तो लिल यू नो लिल डिस्टर्बिंग वी कैन से। बाकी इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं इनको चेज़ कर रहा हूँ कि ये मुझे चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहे हैं। खैर अपन बेटर है धीरे ही चलें, लेट इट बी, अपन को नहीं आना किसी से बात बात नहीं करना, कोई कुछ नहीं चाहिए ही नहीं, ये बाबा जिस रास्ते जाने का नहीं उधर का रास्ता भी नहीं पूछने का तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया अपन के जिंदगी को लेके, उनको जाने दो। तो भाई आप लोगों ने देखा आज का ब्लॉग, आई होप मजेदार रहा होगा, लेकिन इससे एक सबक जरूर सीख के जाओ
कि भाई बाइक पे पबजी मत खेलो, मतलब जिंदगी में मैं एक सीख दे के जाऊंगा, तो मैं हर वीडियो के साथ मतलब फ्री में फ्री टिप है, लेना हो तो लो नहीं तो बारिश हो रही बाहर बहुत तेज। एनीवेज अपन कहाँ थे, अपन थे पबजी पे। तो भाई इतना मतलब ये तो लेजेंड लेवल का प्लेयर होगा पक्का, मतलब आगे जाके मतलब ये मुंबई आ रहा है अपने साथ मुंबई। एनीवेज तो भाई ऐसे काम मत करो, और अभी अपने हो गए 98,000 सब्सक्राइबर पूरे, तो आई होप जल्दी से आप लोग इस ब्लॉग को शेयर करोगे एंड मेरे चैनल को शेयर करोगे, सो दैट जल्दी से जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हों। उसके बाद हम लोग 1 लाख पे हो सकेगा तो एक छोटा सा मीटअप रखेंगे भोपाल के अंदर, तो कोई आसपास के एरिया में होगा तो आगे मिल सकता है। लेट्स सी, अभी मैं कुछ श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ श्योरिटी हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है, उसमें मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, सो लेट्स सी क्या होता है। बट एनीवेज आप 1 लाख सब्सक्राइबर तो जल्दी से हिट करा दो, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों से बोलो उनको सब्सक्राइब करने चैनल को। एंड यार आज बारिश हो रही थी तो आज कहीं जा नहीं पाया मैं, सो मैंने सोचा कि तुम लोगों से बात कर लो, मतलब सबसे अच्छा चीज़ अच्छी मतलब जिंदगी का सबसे अच्छा काम यही है कि ब्लॉग कर लो। सो एनीवेज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कोरोना से बच के रहें, घर वालों को सेफ रखें एंड मैजिशियन एडी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और फक्र से बोलो आई एम मैन, सो पीस आउट गाइस, सी यू ऑल। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।